वॉशिंगटन में हाई स्पीड एमट्रेक ट्रेन पुल पर पटरी से नीचे गिर गई। इसी के साथ हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा वॉशिंगटन के पास जू पॉइंट इलाके में हुआ। हादसा इतना भीषण था कि पुल पर पटरी से उतरने की वजह से ट्रेन की बोगी पुल से नीचे गाड़ियों पर जा गिरी। ट्रेन में ड्राइवर समेत 82 लोग सवार थे। ये ट्रेन सिएटल, पोर्टलैंड, ओरेगन को जोड़ने वाले रास्ते पर चलती है। इस नए रूट पर पहली बार ये ट्रेन चली थी। हादसे का शिकार हो गई पहली ही बार तो वॉशिंगटन के जू पॉइंट में ये हादसा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर जो यह हादसा हुआ इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दुख जताया गया है। हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया गया ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने ट्वीट करके लिखा कि जू पॉइंट वॉशिंगटन में हुए ट्रेन दुर्घटना में शिकार सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। हम हादसे पर नजर लगातार बनाए हुए हैं।